गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जैसे कि आप सबको पता है कि हम हीलिंग करने जा रहे हैं फॉर बैक पेन। सो बैक पेन जनरली किस कारण से होता है पहले हम ये जान लें। मेनली जो बैक पेन का कारण होता है वो हमारा गलत पोस्चर होता है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा मीन्स जैसे हमारी बहुत ज़्यादा सिटिंग की जॉब है और हम थोड़ी थोड़ी देर में उठ के अपने सीट से चलते नहीं हैं, अपने मसल्स को मूवमेंट नहीं देते हैं, तो वो जो गलत पोस्चर हमारा होता है और उसी में हम स्टिफ रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारे बैक पेन मीन्स जो हमारे लोअर बैक के सारे मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं और उसके वजह से वो कोई ना कोई अंदर नर्व दबती रहती है जिसके वजह से हमारे बॉडी में पेन होता रहता है। या अगर आपकी कोई इंजरी हो गई है या बहुत तेज़ से कोई झटका लग गया है किसी भी कारणवश, या आपको मीन्स कोई और प्रॉब्लम आ गई है, या आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे थे उसके वजह से हो गया है, सो कोई भी कारण हो सकता है बैक पेन का। बट जो जनरल कारण है वो यही है कि हम बहुत ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं एक ही पोस्चर में। हम अपनी सीट से उठकर थोड़ा सा वॉक नहीं करते हैं, थोड़ा सा पोस्चर नहीं चेंज करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसके वजह से हमारे बॉडी में लोअर बैक का प्रॉब्लम, अपर बैक का प्रॉब्लम ये सब हो जाता है। जनरली स्टूडेंट्स के साथ अपर बैक का हो जाता है, वो झुक झुक के पढ़ते रहते हैं, और प्रोफेशनल्स भी वो झुक झुक के काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं। लैपटॉप पे काम करने की वजह से आपको बहुत देर तक बैठना भी पड़ता है, झुकना भी पड़ता है, तो ये सब पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो आज की जनरेशन को ज़्यादा हो रहे हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं हीलिंग। लोअर बैक की जिनको भी प्रॉब्लम है और जो हीलिंग रिसीव कर रहे हैं पर्टिकुलरली, उनकी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लेट जाएं, क्योंकि जब हम लेट के हीलिंग रिसीव करेंगे या लोअर बैक की जब आप अपनी भी हीलिंग करते हैं, अगर लेट के आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि आपको बैक का पेन नहीं होगा, आप लेट के अपनी हीलिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप ज़्यादा अच्छे से अपने पॉइंट्स को हील कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से अपने पॉइंट्स को टच कर पाएंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आप लोग बिल्कुल आराम से बैठ जाएं, और जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है लोअर बैक का उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लेट जाएं। पांच गहरी सांसें भरें। अपने दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेकर आए। अब हम अपने रेकी के पांच सिद्धांत खोलेंगे। सिर्फ आज के लिए मैं अपनी सभी चिंताओं को त्यागती हूँ।
सिर्फ आज के लिए मैं अपने गुस्से को त्यागती हूँ। सिर्फ आज के लिए मैं अपना सारा काम पूरी ईमानदारी से करूंगी। सिर्फ आज के लिए मैं सभी चीजों के प्रति कृतज्ञ रहूंगी। सिर्फ आज के लिए मैं सभी जीवित वस्तुओं के प्रति दयालु रहूंगी। ये जो हम पांच सिद्धांत रेखी के बोलते हैं, ये सिर्फ शब्द नहीं है। जब आप इसको बोलते हैं तो महसूस किया करिए एक एक शब्द को, और कोशिश करें कि इसे आप अपने पूरे दिन उसको फॉलो कर पाए, उसको पूरे दिन अपने साथ रख पाए। कभी भी कोई गलती हो भी जाती है, जाने या अनजाने में, तो आप तुरंत माफी मांग सकते हैं। अब हम रेकी शक्ति का आवाहन करेंगे। जो रेकी चैनल नहीं है हमारे साथ जुड़े, जिनको रेकी के बारे में नहीं पता है, जो रेकी की जानकारी नहीं रखते हैं, वो ईश्वर की शक्ति या अपने ईष्ट देव देवी की शक्ति का आवाहन कर सकते हैं, या किसी ऊर्जा का आवाहन कर सकते हैं। आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, या आप रेकी ही नाम लेकर आवाहन कर सकते हैं। हे रेकी शक्ति, हे डॉक्टर मिकाओ उशुई, हे लॉर्ड बुद्धा, all the supreme souls, all the guiding angels, oh God, bless us, bless us, bless us. हमें आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें, आशीर्वाद दें। oh Reiki energies, please flow through my hands, flow through my hands, flow through my hands. Oh Reiki energies, please flow through my hands, flow through my hands, flow through my hands. Oh Reiki energies, please flow through my hands, flow through my hands, flow through my hands. For my pain healing, for my back pain healing. अब अपने हाथों को अपने फ्रंट पे रख लें, जहाँ पे आपका लोअर पोर्शन बॉडी का और आपके थाइस मीट करते हैं, वहाँ पे आपको एक हड्डी महसूस होती होगी दोनों साइड, वहाँ पे आप अपना हाथ रख लें। जहाँ आपका लोअर बॉडी और आपका थाइस मीट करते हैं, वहाँ पे आप अपना हाथ रख लें।
जब भी आप मेरी किसी भी वीडियो से हीलिंग लें तो पूरे भाव से बैठें अपनी हीलिंग लेने के लिए कि मैं हीलिंग लेने को तैयार हूँ, मैं पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करने को तैयार हूँ, और पूरे भाव से बैठकर हीलिंग महसूस करें और प्राप्त करें। अब अपने दोनों हाथों को अपने साइड्स में रख लें, अपने साइड्स में, वहीं लोअर बॉडी में ही अपने साइड्स में रख लें। आप अपना हाथ किसी भी तरीके से रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको पेन ना हो, बस उस प्रकार से आप अपना हाथ किसी भी पोस्चर में रख सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का दर्द किसी एक पर्टिकुलर जगह लगता है तो आप वहां से हटा के दूसरे पोस्चर पर रख लीजिए, या दूसरे तरीके से रख लीजिए, या दूसरे पार्ट पर रख सकते हैं। अब विजुअलाइज करें कि आपके क्राउन से, आपके हेड से, आपके क्राउन चक्रा से एक रेड कलर की हीलिंग लाइट एंटर कर रही है। अपनी आंखें बंद रखें, सिर्फ और सिर्फ मेरी आवाज को सुने और उसे फॉलो करें। विजुअलाइज करें रेड हीलिंग लाइट आपके क्राउन में एंटर कर रही है। धीरे धीरे आपके बैकबोन से नीचे आती जा रही है, धीरे धीरे। फाइनली वो आपके रूट चक्रा पे आ गई है। रूट चक्रा मतलब जहाँ हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड होता है, उसके टिप पर हमारे बॉडी का फर्स्ट चक्रा यानी कि रूट चक्रा, जिसको मूलाधार भी कहते हैं, वो स्थित होता है। वहाँ आपकी रेड हीलिंग लाइट आ चुकी है। अब देखिए, जैसे कि रेड कलर का बल्ब होता है, वो चमकता है, अपना प्रकाश पूरे कमरे में फैलाता है, उसी प्रकार से वो प्रकाश आपके मूलाधार में स्थित है और अपना प्रकाश हर जगह फैला रहा है। देखते जाइए कि वो जो प्रकाश है वो गोल 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 घूम रहा है, वो प्रकाश का गोला है जो घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है।
लाल रंग का। विजुअलाइज करते जाएं लाल रंग के प्रकाश को जो आपके मूलाधार पे स्थित है, गोल 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 घूमता जा रहा है। आप देखें कि आपके लोअर बैक में जितने भी मसल्स हैं, जो भी आपके मसल्स हैं जिसमें स्टिफनेस आ गई है, वो उस लाल प्रकाश से पूरा लूज हो रहे हैं। सारी स्टिफनेस धीरे 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 खत्म हो रही है। जहाँ जहाँ आपको दर्द रहता है, जो आपका पेन पॉइंट है, स्पेशली उस जगह अपना ध्यान केंद्रित करिए और उस लाल प्रकाश को उधर लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ जो भी मसल्स हैं, जो स्टिफ हो गई हैं, कड़ी हो गई हैं, वो लूज होती जा रही हैं उस प्रकाश से। उस प्रकाश में इतनी हीट है, वो हीट उन मसल्स में जा रही है और वो लूज होती जा रही है। एग्जैक्ट अपने पेन पॉइंट पर उस रेड लाइट को इमेजिन करें। हो सकता है स्टार्टिंग में 1-2 मिनट आपका पेन बढ़ भी जाए, पर कोई चिंता की बात नहीं है, वो एक्चुअली आपकी हीलिंग हो रही है। कहीं अगर चोट लगती है और हम उसको साफ करने जाते हैं, तो पहले उस चोट में बहुत छिरछिराता है, दर्द होता है। उसके बाद फिर जब हम उसको साफ करते हैं डिटॉल से या किसी भी लोशन से, फिर दवाई लगाते हैं, धीरे धीरे आपका दर्द सबसाइड हो जाता है, कम हो जाता है। उसी तरीके से हीलिंग में भी होता है। कभी कभी पेन ज़्यादा हो रहा होता है और हीलिंग देते हैं तो पेन बढ़ जाता है, बट वो धीरे 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 फिर सबसाइड हो जाता है। एग्जैक्ट अपने पेन पॉइंट पर अपना पूरा ध्यान लेकर जाएं और देखें कि रेड लाइट उस पेन पॉइंट पर है। सारी मसल्स की स्टिफनेस अब जा चुकी है। आपकी सारी मसल्स उस एरिया की लूज हो चुकी हैं और पूरी तरह से हील हो चुकी हैं।
अब अपने लोअर बैक के बोन्स को विजुअलाइज करिए। अगर आपको बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क है या किसी भी तरीके की और प्रॉब्लम है, आप अपने उस बोन को विजुअलाइज करिए जहाँ पे आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम आ रही है, और अपने रेड लाइट को उधर एरिया में लेकर जाइए। अब देखिए कि आपकी बोन रेड हो चुकी है। जो भी प्रॉब्लम है वहाँ पर, वो पूरी की पूरी हील हो रही है। रेड लाइट से पूरी हील हो रही है। अब आपके बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी वो पूरी हील हो चुकी है। रेड डिवाइन हीलिंग लाइट ने उसे हील कर दिया है। अब विजुअलाइज करें, अगर आपकी कोई भी नस दब रही थी, कोई भी नसों से रिलेटेड दिक्कत थी, तो वो सारी की सारी आपकी जो नसें हैं वो रेड कलर की हो गई है। एग्जैक्ट आपका जो पेन पॉइंट है, जो भी प्रॉब्लम एरिया है, वहां पे विजुअलाइज करें। अब देखें कि आपका पूरा लोअर बैक रेड कलर का हो गया है, पूरा लोअर बैक उस रेड डिवाइन हीलिंग लाइट से पूरा रेड हो चुका है और पूरी तरह से हील हो गया है। थोड़ी देर महसूस करें उस रेड लाइट को, उस रेड ऊर्जा को। और महसूस करें कि आपका सारा दर्द जा चुका है। अपने आप से बोले, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। मन में थोड़ी थोड़ी देर में इसको ध्यान करते रहें, आप बोलते रहें, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, I am healed. I am blessed. I am blessed. I am blessed.
अगर आपको ज़्यादा पेन रहता है, सबसे अच्छा तरीका है कि हम पहले अपनी ऑरा क्लींजिंग करें और उसके बाद हम हीलिंग करें। अब विजुअलाइज करें कि आपकी पूरी बैकबोन रेड कलर की हो गई है, आपके दोनों लेग्स रेड कलर के हो गए हैं और हीलिंग लाइट, हीलिंग डिवाइन रेड लाइट आपके पूरे बॉडी में फ्लो हो रही है। आपके पूरे बैकबोन में, आपके लेग्स में, लोअर बैक के वजह से लेग्स में कहीं दर्द रहता था, लेग्स में प्रॉब्लम रहती थी, वो भी अब धीरे 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 सारे दर्द, सारी प्रॉब्लम हील हो रही है। विजुलाइज करें उस रेड लाइट को धीरे धीरे अपने पैरों से नीचे उतरते हुए। देखें कि धीरे धीरे वो रेड लाइट आपके थाइस से नीचे उतर रही है। अब आपके नीज पर आ चुकी है, आपकी पूरी थाइस हील हो चुकी हैं। अब विजुअलाइज करें कि नीज से आपकी रेड डिवाइन लाइट आपके लेग्स में आ गई है। धीरे धीरे नीचे उतर रही है। जैसे जैसे वो उतरती जा रही है, आपके बॉडी का, आपके लेग्स का पेन भी उतरता जा रहा है। रेड लाइट के साथ सारा पेन ट्रैवल कर रहा है नीचे की तरफ। और देखिए कि वो आपके फुट पर आ गई है, आपके पंजों पर आ गई है और पंजों के चक्रों से बाहर निकल गई है और उस रेड डिवाइन हीलिंग लाइट के साथ आपके शरीर का सारा दर्द, सारी दिक्कतें, सारी उलझनें भी निकल गई हैं। अब अपने दोनों हाथों को अपने नाभि पर रख लें
और अपने आप से बोले, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड, आई एम हील्ड। मैं हर प्रकार के दर्द से मुक्त हूँ, मैं हर प्रकार के दर्द से मुक्त हूँ, मैं हर प्रकार के दर्द से मुक्त हूँ, मुक्त हूँ, मुक्त हूँ। अपने दोनों हाथों को नमस्ते मुद्रा में लेकर आएं। अबरे की शक्ति का धन्यवाद करें। धन्यवाद रे की शक्ति, धन्यवाद डॉक्टर मिका उशुई, धन्यवाद लॉर्ड बुद्धा, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद सभी ऊर्जाओं। आपको जिनका भी धन्यवाद करना है आप सबका नाम ले सकते हैं। मुझ पर कृपा बनाए रखें, बनाए रखें, बनाए रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। और अपने आंखों पर रख लें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। How was the session? आपको कैसा लगा? Okay, thank you, Girja sir, thank you. ठीक है, thank you so much everyone. जी जी, thank you so much everyone. Thank you, thank you. Thank you. Have a great day, Ricky. Bless you all. Thank you.